दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपने अक्सर ओयो के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। क्या आप जानते हैं कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की कंपनी में Airbnb जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी ने कैसे इन्वेस्ट किया, कौन से स्ट्रेटेजिक बिजनेस में उन्होंने क्या एलिवेशन किया, कैसे केवल 27 साल की उम्र में 6000 बिलियन की कंपनी खड़ी की। अक्सर लोग जिसे खोटा सिक्का समझकर इग्नोर करते थे, असल में वही ब्राइटली स्टार बन गया। आज हम जो कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, ये कई लोगों की आंखें खोल देगी जिनकी थिंकिंग टिपिकल जॉब माइंडेड सोसाइटी में सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रितेश अग्रवाल, इस 25 साल की उम्र के जेंटलमैन ने 1993 में जन्म लिया उड़ीसा के पास कटक में। दोस्तों, इस लड़के ने 13 साल की उम्र में दुनिया भर में घूमना फिरना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल के टाइम पर इन्होंने बचपन में एंटरप्रेन्योर वर्ड सुन लिया और घर पर सभी से कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। हालांकि इन्हें इसका मीनिंग मालूम नहीं था और इनके फ्रेंड्स भी इस नाम से इम्प्रेस हो गए कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, और तभी से रितेश अग्रवाल इस नाम के पीछे पड़ गए। आगे चलकर लंदन के एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ पढ़ने का मन नहीं था इनका। और जहाँ भी कहीं एंटरप्रेन्योरशिप पर कोई सेमिनार होता हो, कोई क्लास हो या कोर्स हो, तो ये उसको जाकर अटेंड करते थे। और फिर ये एक्सीडेंटली होटल के बिजनेस में घुस गए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये देखते थे कि जो सस्ते होटल होते थे उनके रूम्स गंदे, वॉशरूम भी गंदे, और गद्दे चादर उससे भी ज्यादा गंदी होती थी। इसके बाद रितेश अग्रवाल ने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपको बता दें कि जो लोग 30 साल के बाद में डाटा को समझने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर के बिहेव को समझना शुरू करते हैं, उन्होंने 30 साल की नहीं बल्कि 17 साल की उम्र में ये चीजें सीख ली। आप देख सकते हैं कि 25 साल की उम्र में आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल हैं। आज इनका इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है, लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में बिल्ड कर चुके हैं। रितेश ने मिशन बनाया कि क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेस फॉर कॉमन मैन। फिर 2012 में अराइवल नाम की एक कंपनी की स्थापना की। ये तब एक टीनेजर थे तो गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर चले गए। वहां जाकर एक होटल वाले को बोला कि देखो भाई, आपका होटल चल तो रहा नहीं है, इसमें लोग आ तो रहे नहीं है, आपके कमरे खाली पड़े हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपको कमरे किराए पर चढ़वा देता हूँ, उसमें कुछ कमीशन मुझे दे देना। मालिक ने बोला कि जा बेटा, बहुत टाइम हो गया मुझे काम धंधा करते हुए, तू अभी बहुत छोटा है इस काम के लिए, समझा। लेकिन रितेश ने कहा कि सर जी, अगर लॉस हुआ तो मेरा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा कर लेंगे। मालिक बोला अच्छा ऐसा, और मालिक ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, बड़े बाप की औलाद है, पैसे बर्बाद करके चला जाएगा, करने दो ट्राई, मेरा क्या जाता है। रितेश अग्रवाल 35,000 रुपए देकर सदर बाजार गए और वहां इन पैसों को खर्च करके वो छोटे मोटे ऐसे आइटम लेकर आ गए जिससे होटल के अंदर एक्सपीरियंस, बेडरूम, टॉयलेट और साफ सफाई करके फर्स्ट क्लास उसे बना दिया। लेकिन ये सब चीजें उन्हें थोड़ी महंगी पड़ रही थी, तो वहां से उन्होंने सोचा कि मॉडल को स्केल अप करना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वहां से उन्होंने ओयो की स्थापना की। ओयो का मतलब है ऑन योर ओन, यानी कि आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आप ओयो में जाकर आराम कर सकते हैं। फिर देखते ही देखते हायर रेवेन्यू, स्पीड कस्टमर, एफिशिएंट ऑपरेशन, हाई क्लास CRM, चारों चीजें दिखने लगी। प्रॉपर्टी का मालिक बोला अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो धंधा आगे बढ़ाते हैं, एक होटल मेरा और है, वहां भी लग जाओ। वहीं हरियाणा के गुड़गांव के एक प्रॉपर्टी के ओनर ने कहा कि मेरा धंधा भी वैसे चला दो जैसे उस होटल के मालिक का चलाया है, और फिर उस होटल के मालिक का धंधा भी चलने लगा। एक से प्रॉफिट बनाते और दूसरी प्रॉपर्टी में घुसते, और ये इस काम को आगे बढ़ाते चले गए। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में कम से कम 50 ओयो के कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं, लेकिन ओयो ने किसी को कॉपी नहीं किया। तो चलिए जानते हैं ओयो की सक्सेस स्ट्रेटेजी को, जो आपको बहुत काम आएगी। नंबर एक, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। दोस्तों, इनका मैकेनिज्म ऐसा था कि ओयो होटल को कस्टमर लाकर देता था और होटल ओनर्स को कस्टमर से चार्ज किए हुए कॉस्ट को 18% ओयो को देना होता है, और इससे होटल ओनर को फायदा हुआ। और फायदा देखते हुए होटल ओनर खुद ही ओयो पर नकली कस्टमर आईडी से सस्ते में रूम बुक करते थे, और फिर ओरिजिनल कस्टमर से ज्यादा चार्जेस लेने के बावजूद ओयो को कम कमीशन देते थे। फिर जैसे ही इस झोल का ओयो को पता चला, उसने अपने मॉडल को सुधारा, उसे बदलकर फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बना दिया, और इस बार कोई घोटाला ना हो इसीलिए ओयो ने होटल्स के सारे रूम्स को अपने अंडर लेते हुए होटल के मालिक से ये कह दिया कि रूम की सेलिंग से होने वाली कमाई का 22% उन्हें ओयो को देना होगा, क्योंकि इस बार ओयो की बुकिंग, मेंटेनेंस, सफाई, किचन और सबका जिम्मा ओयो खुद ही उठा रहा था। वैसे इस बिजनेस मॉडल का ये चेंज रितेश अग्रवाल के लिए किसी बड़े दाव से कम नहीं था, और इसी मॉडल के चलते रिपीटेड कस्टमर्स के साथ
होटल ओनर्स को और ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगा। और देखते ही देखते रिजेक्शन के साथ शुरू हुआ ओयो का सफर आज दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन में शुमार हो गया है। नंबर दो, एसेट लाइट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, इसमें बिना ज्यादा पैसे और एसेट के इन्वेस्टमेंट के बीच होटल्स में जरूरी बदलाव करके अच्छा रिटर्न्स कमाया जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को अपनाने का एक रीजन ये भी था कि इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास कैटेगरी के हैं, जो हाई क्वालिटी के होटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पर होटल्स की तलाश करते हैं जहां से इन्हें प्राइमरी लोकेशंस जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स नजदीक पड़े। नंबर तीन, फोकस टीम फॉर एक्विजिशंस एंड एक्सपेंशन। इन्होंने एक अलग डेडिकेटेड फंक्शन की टीम बनाई जिससे ये नए होटल्स और नए पार्टनर्स को एक्वायर करें और बिजनेस को एक्सटेंड करें। इस चीज का केवल यही काम है कि नई प्रॉपर्टी के साथ पार्टनरशिप को कैसे बिल्ड किया जाए। आपको बता दें कि 2013 में एक होटल और एक चेयर से बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने। उसके बाद 2014 तक 5 होटल्स और शहर बढ़ाते चले गए। 2015 में सैकड़ों होटल्स और फिर सैकड़ों शहर। आज दुनिया भर में 12 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। आज लगभग 10,000 होटल, लगभग 250 शहर और 13 से ज्यादा देशों के अंदर 5 गुना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओयो ने इतनी फास्ट एक्सपेंड कैसे किया और एक छोटा सा बच्चा 23-24 साल का, इसने ये सब कैसे किया। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। इन्होंने एक्सपेंशन की जो अलग टीम बनाई है, उन्होंने उसमें ये किया कि दूसरा आदमी जब होटल के साथ पार्टनरशिप करता है तो 8 महीने लगाता है, ये 8 दिन में कर लेते हैं। मोबाइल ऐप से सब चीजें भेजते हैं, उनको ऐप डाउनलोड करा देते हैं और उनके साथ मोबाइल पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर वापस मंगा लेते हैं। उसके बाद 15 दिन में प्रॉपर्टी को एकदम अपग्रेड कर देते हैं। फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। दोस्तों, अब इतना तेज एक्सपेंड कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी ही। इसके लिए उन्होंने फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड बनाया। जो भी कुछ करेंगे, कुछ नया लेकर के आएंगे और वो कस्टमर से लेकर आएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि आप कभी भी पहले छोटे होटल्स में जाते थे और आपको जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो आपकी सुनवाई ही नहीं होती थी, कोई आपको सुनता ही नहीं था। वो होटल वाला आपसे बदतमीजी करता और ढंग से सर्विस नहीं देता। लेकिन आज ओयो है, आपकी सुनने के लिए खड़ा है। आप मैनेजर को तुरंत फोन कर सकते हैं, वो इमीडिएटली एक्शन लेंगे और वो होटल डीलिस्ट भी किया जा सकता है अगर वो आपके साथ ढंग से बिहेव ना करें। ये फायदा हुआ ओयो का, जिसके कारण कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर तक करा सकता है। दुनिया की तमाम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए ओयो बड़े पैमाने पर कस्टमर का भरोसा जीतने और उन्हें कामयाब रखने में कामयाबी हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ओयो की सफलता की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।